हेलो दोस्तों, सो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट कैसे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग और कैमरा स्मार्टफोन जो दोस्तों इस टाइम इंडियन मार्केट में आपको 15,000 रुपये से कम की कीमत पर देखने को मिल जाएंगे। और ये फ़ोन दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल के हैं क्योंकि इसके सभी फ़ोन आपको 5G कनेक्टिविटी बेस्ड हैं, तो आप कोई भी एक स्मार्टफोन चुन सकते हैं और लगभग सभी कीमत के स्मार्टफोन मैंने लिस्ट में लिए हैं। जो आपको पसंद आती हो कीमत, उस रेंज में आप स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आप जरूर देखें पूरी, क्योंकि दोस्तों आपकी पसंद का स्मार्टफोन इस लिस्ट में आज आपको मिल ही जाना है। तो फटाफट दोस्तों लिस्ट की बात करें तो सबसे पहला हमारा स्मार्टफोन आता है पोको की ब्रांडिंग के साथ, पोको X5। अब ये फ़ोन दोस्तों आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स प्रोवाइड कराता है और कीमत भी काफ़ी कम है। कीमत इसकी दोस्तों बेस वेरिएंट यानी कि 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 13,999 रुपये फिलहाल देखने को मिलती है। साथ ही इसका अगला वेरिएंट 14,999 रुपये है जिसमें आपको 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये तो दोस्तों इसकी कीमत हो गई। साथ ही अगर इसके फीचर्स यानी कि स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इंडियन मार्केट में आपका 21 मार्च 2023 को लॉन्चिंग डेट है इसकी। साथ ही एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है और इसी के साथ दोस्तों इसे स्मार्टफोन में 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 चिपसेट देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर काफी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कराता है सच में। और वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन बैक में कैमरे के 3 सेंसर हैं, 48 का मेन सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 का माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अगर कैमरे क्वालिटी की सिर्फ हम बात करें तो लिस्ट में इससे अच्छे फ़ोन हैं जो आपको कैमरा अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। आप देखते रहिए, पसंद जो आएगा आप उसको ले सकते हैं। साथ ही इसमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 33V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल देखने को मिलता है और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ऑब्वियसली लगभग सभी फीचर्स इसके जबरदस्त देखने को मिले हैं इस रेंज के अंदर। तो हमारी लिस्ट का पहला स्मार्टफोन पोको X5 है जो कि जबरदस्त है। एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी लिस्ट के अंदर फोन आपको देखने को मिलेंगे आज, वो सभी फोन सेल के दौरान थोड़ी सी कीमत कम के बिक रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद या फिर मान लीजिए सेल के बाद देख रहे हैं तो कीमत ऑब्वियसली ज्यादा हो सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन आप किसी भी अगली सेल का इंतजार कर सकते हैं, उस सेल में इनकी कीमत फिर से इतनी हो जाएगी, तो आप चाहें तो उसमें ले सकते हैं, नहीं तो आप जिस कीमत में अभी फिलहाल वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी ले सकते हैं क्योंकि फोन काफी अच्छे देखने को मिले हैं। अब बात करें इसके दोस्तों सेकंड स्मार्टफोन की, तो लिस्ट का अगला फोन दोस्तों हमारा है मोटला की ब्रांडिंग के साथ, मोटला G54। ये फोन दोस्तों मेरे हिसाब से जैसे ही लॉन्च हुआ है ना, तो इस रेंज में मेरे हिसाब से नंबर 1 फोन ये बन चुका है स्पेसिफिकेशन के मामले में। प्राइस से शुरुआत करें तो दोस्तों इसका 2 वेरिएंट आते हैं। दूसरा वेरिएंट चाहें तो आप ले सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत 15,000 से ज़्यादा है। पहला वेरिएंट आपका 13,999 रुपये में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। दूसरा वेरिएंट आपका 15,999 का है जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है। चाहिए आपको 12GB रैम तो जाइए, 15,999 रुपये में ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 चिपसेट। अब ये कमाल का प्रोसेसर है गेमिंग के मामले में। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले और ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर भी रन करता है, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन बैक में कैमरे के देखने को मिलते हैं सिर्फ 2 ही सेंसर, एक है मेन सेंसर 50 का और 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस है। फ्रंट में देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है। 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में भी है, शायद मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है एक 6000mAh की बड़ी पावरफुल बैटरी जो कि 30V के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। 1TB स्टोरेज में एक्सपेंडेबल स्टोरेज है और उसी के साथ साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और डॉल्बी साउंड क्वालिटी का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिजाइन काफ़ी अच्छा है, फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है और रैम और स्टोरेज ये आपको अच्छी प्रोवाइड कराता है कम कीमत में, मोटला G54। यह है लिस्ट का सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन। अब बात करते हैं लिस्ट के तीसरे बेस्ट स्मार्टफोन की, तो लिस्ट का अगला फोन दोस्तों हमारा आता है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ, सैमसंग गैलेक्सी M14। ये फोन दोस्तों काफी अच्छा डोमिनेट कर रहा है इस रेंज के अंदर। कीमत दोस्तों इसकी देखने को मिलती है बेस वेरिएंट की 11,990 रुपये जिसमें 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। अगला वेरिएंट 12,990 का है जिसमें आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी कीमत में काफ़ी बड़ी कटौती इस सेल के अंदर आई है। अगर आप इस सेल के बारे में वीडियो को देख रहे हैं शायद आप इसको मानेंगे भी नहीं, तो इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो किसी सेल में स्मार्टफोन को ले सकते हैं, अच्छी खासी कम कीमत मिल जाती है। फीचर्स की तरफ आ जाते हैं, वो दोस्तों स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर सैमसंग एक्सिनोस 1330 चिपसेट देखने को मिलता है। गेमिंग के मामले में ये प्रोसेसर अच्छा है, सैमसंग की खुद की ब्रांडिंग के साथ आता है।
साथ ही इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच की फुल HD प्लस एक डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बैक में कैमरे के 3 सेंसर हैं, 50 का मेन है, 2 का माइक्रो और 2 का डेप्थ सेंसर है। तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वैसे मैंने कैमरा इसका यूज़ कर रखा है, काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स, मतलब क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है वीडियो में भी और फोटोग्राफी दोनों में ही। उसी के साथ दोस्तों स्मार्ट में 6000 mAh की बैटरी 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है क्योंकि अडेप्टर बॉक्स अंदर इसमें नहीं है। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है और सैमसंग की अच्छी खासी ब्रांडिंग के साथ भी आता है, तो भरोसा काफ़ी अच्छा करा जा सकता है सैमसंग गैलेक्सी M14 के ऊपर। अब बात करते हैं इसके दोस्तों चौथे फ़ोन की, सबकी कीमत थोड़ी थोड़ी अलग है, आप जिस फ़ोन को जिस कीमत पर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे फ़ोन की, तो वो दोस्तों हमारा अब आता है Redmi की ब्रांडिंग के साथ Redmi 12। अब दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन काफ़ी हो सकती है कि Redmi Note 12 क्यों नहीं है या फिर कोई दूसरा क्यों नहीं है। Redmi 12 एक अच्छा फ़ोन है डिज़ाइन के मामले में भी और ब्रांडिंग के मामले में भी। कीमत से शुरुआत करें दोस्तों स्मार्टफोन की, इसके 3 वेरिएंट आते हैं 15,000 से नीचे। पहला वेरिएंट है सस्ता यानी कि 11,999, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगला वेरिएंट आपको देखने को मिलता है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, अमेजोन पे फिलहाल तो नहीं था, जब आप ले रहे हैं तो चेक कर सकते हैं, वो है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज 13,499 रुपये। और आखिरी वेरिएंट आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज, कीमत उसकी 14,999 रुपये है। जो वेरिएंट पसंद हो उसकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि फ़ोन काफ़ी अच्छा है। स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं तो दोस्तों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 4 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग नई है तो अच्छा फ़ोन ऑब्वियसली नए अपडेट के साथ आता है। साथ ही इसमें 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। और उसी के साथ दोस्तों बैक में कैमरे के सिर्फ 2 ही सेंसर देखने को मिलते हैं, मेन दोस्तों है 50 मेगापिक्सल का 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में देखने को मिलती है आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी पंच होल डिजाइन के साथ, जी हाँ दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों 5000 mAh की बैटरी 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है Redmi 12 5G वेरिएंट, दोनों वेरिएंट हैं, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4G वाला ऑब्वियसली सॉफ्टा वेरिएंट देखने को मिलता है 10,000 से भी नीचे, लगभग सिमिलर फोन ऐसे हो सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते अगर आप ले रहे हैं तो। अब बात करते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की, जिसका डिजाइन सबसे यूनिक है, जो स्मार्टफोन सबसे यूनिक है, वो दोस्तों हमारा आता है Realme की ब्रांडिंग के साथ Realme 11X। ये फोन दोस्तों काफी कमाल का है, कीमत इसकी है 13,999, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। साथ ही दोस्तों अगर इसके फीचर्स की बात करें तो वो काफी कमाल के हैं, जैसे कि दोस्तों ये स्मार्टफोन 23 अगस्त को तो वैसे इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट फोन है इसी 23 अगस्त 2023 को। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट देखने को मिलता है, अच्छा खासा नया प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है जो कि गेमिंग अच्छी प्रोवाइड कराता है। 6.2 इंच की एक फुल HD प्लस आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले, अच्छी डिस्प्ले के साथ पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कैमरे की बात करें तो 2 सेंसर हैं बैक में, अच्छे खासे कमाल के यूनिक डिजाइन के साथ, जिसमें मेन 64 मेगापिक्सल का है, 2 का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट में बात करें तो वहाँ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। साथ ही एक 5000 mAh की बैटरी 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 2TB स्टोरेज को एक्सपेंड इसके अंदर करा जा सकता है जो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता इतना कोई करेगा भी, क्योंकि 2TB की अगर आप चिप लेने जाएंगे यानी कि मेमोरी कार्ड लेने जाएंगे तो वो भी काफ़ी महंगा है। साथ ही साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है सस्ते में अगर आप लेना चाहते हैं 5G डिज़ाइन के साथ Realme का फ़ोन। तो ये टॉप 5 दोस्तों लिस्ट में हमारे फ़ोन है, कौन सा पसंद आपको आया कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ ना पूरी लिस्ट के अंदर, काफ़ी कन्फ्यूजन तो है लेकिन फिलहाल Motorola G54 सबसे अच्छा है, जी हाँ मान लीजिए इस बात को कि वो सबसे अच्छा फ़ोन है इस टाइम, जो आपको बंडल लगभग सभी फीचर्स प्रोवाइड एक बंडल के अंदर करवाता है इस फ़ोन के अंदर, कम कीमत में रैम स्टोरेज फीचर्स डिज़ाइन सभी चीज़ वो आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आप सेकंड नंबर पे किसी फ़ोन को रखना चाहते हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, वो मैंने पर्सनल खुद यूज़ कर रखा है तो इसलिए मैं उसको इसलिए कह सकता हूँ कि वो फ़ोन अच्छा देखने को मिलता है। बाकी अगर Poco X5 की बात करते हैं तो वो दोस्तों कैमरा क्वालिटी में इनसे थोड़ा सा नीचे है, मैं ये तरह नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल बेकार है लेकिन इनसे थोड़ा सा नीचे ज़रूर देखने को मिलता है। और बाकी जो डिस्क्लेमर मैंने शुरुआत में बताया था वो एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि अगर इन फ़ोनों को आप लेना चाह रहे हैं तो आप इन सेल के दौरान ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सेल के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसी अगली सेल पर इस कीमत पर इन फ़ोन को ले सकते हैं। अगर आप सेल के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कीमत थोड़ी सी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ये फ़ोन इस लिस्ट के अंदर होंगे इसका मतलब ये आप ले सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट फ़ोन है इस रेंज के अंदर गेमिंग और कैमरा क्वालिटी के अगर आप लेना चाहते हैं।
सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको इस बारे में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी, फ़ोन अच्छा लगा तो एक बार दोस्तों सजेस्ट जरूर करें कि वीडियो में क्या क्वालिटी और क्या कुछ अपग्रेड करा जा सकता है। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।